हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रही है सब लोगों की स्टडी? देखो, इसके पहले हमने पांच चैप्टर के ऊपर पूरा की पूरा रैपिड रिवीजन ले चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सर के ऊपर टेंशन, सर पे टेंशन है ना, सर के ऊपर बतला सर हम कब टेंशन लेते हैं? टेंशन तो आपको ही लेना है ना, इसलिए सर पे टेंशन नहीं है, सर के ऊपर टेंशन है ना। फिजिक्स का टेंशन ही लगती है बच्चों। एक्चुअल में फिजिक्स से टेंशन वाली बात नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मतलब आपके कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंस है, क्या है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस करता है कि हम लोग क्या करना चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए। फिजिक्स में रट्टा नहीं मार सकते हम लोग। जो फिजिक्स में रट्टा मारेगा ना, वो फिजिक्स पढ़ नहीं पाएगा, बराबर है। तो आप लोगों को अगर JEE नीट कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बना के रखो अच्छे तरह से। 100% उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही अच्छी नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, मजा आ जाएगा आपको भी। चलो, तो सर पे टेंशन में हम लोग इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है क्या नहीं, वो तो थ्योरी में देखने वाले। एडिसिव फोर्स क्या होती है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है ना, ये पूरे जो भी कॉन्सेप्ट है, ये पूरे थ्योरी जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरी होगी रैपिड रिवीजन की, उसमें हम लोग पढ़ने वाले। आज हम रैपिड रिवीजन सरफेस टेंशन के जो इंपॉर्टेंस फार्मूले है, कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले, उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस फार्मूले पहला ही बच्चों, सरफेस टेंशन का जो फार्मूला है, ठीक है, उसका सिंबॉल टी है और फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है सरफेस टेंशन का फार्मूला? फोर्स पर यूनिट एरिया, यह हमारे लिए सरफेस टेंशन का फार्मूला है ना। सरफेस टेंशन डिफाइन है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस है ना, वो थोड़ा ट्रेस का फार्मूला ही आता ना, इसके पहले इलास्टिकसिटी पढ़ा है इसलिए मैंने ट्रेस का फार्मूला लिख दिया। तो सरफेस टेंशन मतलब क्या? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ राइट एंगल टू आइदर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। सिंपल याद कैसे रखना, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन, मतलब ये फार्मूला बना। इसके एसआई यूनिट क्या है बच्चों? इसके ऊपर बोर्ड में सवाल आता है, डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, ये भी सवाल बनेगा। एसआई यूनिट क्या होंगे? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर। मैंने न्यूटन के डायमेंशन आप लोगों को बच्चों याद करने के लिए बहुत बार बोल चुका हूं, पता है ना, न्यूटन जी और जूल जी। तो न्यूटन के होंगे m1 l1 t - 2 डिवाइडेड बाय मीटर है इसलिए लेंथ l1 मर गए बच्चों। तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन मिल रहे मुझे m1 l0 t - 2, ये डायमेंशन आपके पास है। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन नहीं है, ऑल इज वेल। बढ़ना आगे और फार्मूले कौन कौन से देखना है, चलो उसके बाद में देखने वाले सरफेस एनर्जी क्या होता है। मिटा दो बच्चों, ओके, नोट कर दिया आपने, ओके चलो उसके बाद में देखने वाले सरफेस एनर्जी क्या होती है ना, क्या देखना है? सरफेस एनर्जी है ना, हम यस ई लिखेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है बच्चों? सरफेस एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। कैसे डिफाइन? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस का इज कॉल्ड एज द सरफेस एनर्जी, ऐसे इसकी डिफाइन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसका फार्मूला कैसे कंस्ट्रक्शन करना ये देख लेंगे, मतलब आपको भी समझ में आएगा उसका फार्मूला कैसे कंस्ट्रक्शन करना। तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं बच्चों, फार्मूला कैसे बनाना है, क्या बनाना है ना। समझो, हमने ऐसे एक कोई डायग्राम लिए है, यहां पे इसका एक्चुअल में P-Q- ये सरफेस था, मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट B इतना कर दिया और फोर्स को अंदर, तो ये P है, ये Q है ना, ये AB है, ओके, उसको ऐसे अंदर दबा दिया। आप लोगों को टेंशन का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, ओके। तो फोर्स क्या बनेगा बच्चों? टी इंटू एल, लेकिन मल्टीप्लाई टू लेने वाला हूं। ये टू काई के लिए? तो यहां पे दो फेस होगी, अगर उसको दबाना है तो दो फेस, ऊपर और नीचे,
है ना, इसलिए टू लिखा, टू इंडिकेट दैट द टू सरफेस होंगे, इसलिए लिखा है मैंने। समझ में आ रहा है आपको? कोई टेंशन नहीं बच्चों, ओके। अब चेंज इन एरिया क्या हो रहा है, चेंज इन एरिया, इसका एरिया देखो, इसको ऐसे दबाया, मतलब फेस है वाटर के ऊपर, उसको ऐसा दबा के रखा मैंने, तो चेंज इन एरिया कैसे बनाते हैं, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया है ना, तो फाइनल एरिया कैसे बन रहा है उसका, तो यल यल प्लस बी, और इनिशियल एरिया कैसे, स्क्वायर जैसे था, तो स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन करो, यल स्क्वायर प्लस यल इंटू बी माइनस यल स्क्वायर, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर मर गया बच्चों, तो यहां पे चेंज इन एरिया जो है बच्चों वो मिल रहा है टू यल क्रॉस बी, नहीं समझ में आ रहा है, टू यल क्रॉस बी, टू क्यों, क्योंकि टू इंडिकेट क्या कर रहा है, सो बबल टू सरफेस होता है, सो बबल को कितने सरफेस होते हैं, टू, इसलिए टू लिखा है। बढ़ना आगे बच्चों, चलो हम लोगों को यहां पे निकालना था वर्क, और वर्क होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बी इतना, तो देयर फोर वर्क इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास टू टी क्रॉस यल, और ये बी, क्या वर्क इज इक्वल टू लिख सकता हूं टी ब्रैकेट में टू यल क्रॉस बी, ये लिख सकता हूं। इसी चीज को हमने क्या बोला है बच्चों, चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया हम लोग डी ए से दिखाते हैं, तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टी इंटू डी ए, तो टी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये डिवाइड आने वाला है डीए, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब बच्चों इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, मतलब ये रिलेशन बना है हमारे पास, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, दिखाई तो दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है बच्चों, ओके। सरफेस एनर्जी मतलब क्या है, मतलब सरफेस टेंशन, मतलब बच्चों सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन दोनों भी एक दूसरे से कैसे इक्वल है, मतलब यहां पे अब लोगों के डायमेंशन भी इक्वल हो गए और सब कुछ इक्वल हो गए, समझ में आ रहा है फार्मूला कैसे निकालना है, रिलेशन समझ में आ गया सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का, दोनों इक्वल है, मतलब डायमेंशनली भी इक्वल होगा, ओके। और कुछ लॉजिकली बताता हूं बच्चों आप लोगों को, ये जो सरफेस टेंशन है, अगर लिक्विड के ड्रॉप है छोटे छोटे, छोटे छोटे ड्रॉप होता है ना, बूंद के छोटे छोटे, छोटे छोटे पानी के बूंदे बहुत सारे, उनको सबको एक जगह पे करो, तो उसका सरफेस एरिया डिग्रीज हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा बूंद थे पानी के, समझो हजार है, समझ लेना हजार, एक हजार है ना, तो छोटे छोटे ऐसे एक हजार बूंद है, तो उसका एरिया बढ़ रहा है कि नहीं, तो उसकी सरफेस एनर्जी भी बढ़ गई थी। अभी मैंने क्या किया, सभी बूंदों को, सभी ड्रॉप को ऐसे मिला के एक जगह पे ला, तो उसके एक ड्रॉप बनेगा पानी का, एक वाटर का ड्रॉप बनेगा, बन रहा, तो क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया कम हुआ, तो सरफेस एनर्जी भी कम हुई, समझ में आ रहा है क्या। अब वो सभी ड्रॉप एक जगह पे आने के कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अरे बहुत सारे बूंद मैंने एक जगह पे ला लिए ना, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं, है ना, एक रूम में 10 बच्चे अभी इस क्लासरूम में, इसी क्लासरूम में मैं अगर हजार बच्चे डाल दूं तो टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं, वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी बाहर इमिट कर रहा है, बात समझ में आ रही है, बहुत सारे ड्रॉप्स है, मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूं, बराबर है, इकट्ठा करने से सरफेस एनर्जी यहां पे जो है ये भी देखो एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, सरफेस एनर्जी भी कम हो रही है, डिग्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सब एक जगह पे लाने के कारण, और एनर्जी वो बाहर इमिट करेगा, टेम्परेचर बाहर डालेगा ना वो, तो दूसरी बात, इसके लिए हमारे पास वर्क डन के लिए फार्मूला 4πr² ब्रैकेट में 4πr² इंटू टी ब्रैकेट में n क्यूब रूट माइनस 1 है ना, देखो वर्क डन का फार्मूला मिलेगा हम लोगों को 4πr² t n क्यूब रूट माइनस 1
ये वर्णन का तब फार्मूला मिल रहा है। अब देखो बहुत बड़ा ड्रॉप है, उसको मैंने क्या छोटे छोटे बूंद में स्प्रेड कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, एक बड़ा ड्रॉप है ऐसे वॉल पे फेंक के मारा मैंने से, छोटे छोटे बूंद स्कैटर हो जाएंगे। तो छोटे होने के कारण एरिया उसका बढ़ रहा है, सरफेस एनर्जी भी बढ़ रही है, तो वो बाहर की जो भी टेम्परेचर उसका टेम्परेचर कम होगा, है ना, तो टेम्परेचर क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, टेम्परेचर डिग्रीजेस एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, समझ में आ रहा है, बढ़ना है बच्चों आगे, ऑल इज वेल। तो इस सरफेस एनर्जी का जो फार्मूला हमने लिखा उसका ऊपर और एक सवाल आता है बोर्ड में, डिफाइन द सरफेस एनर्जी गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो सरफेस एनर्जी का जो एसआई यूनिट मिलेगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इसलिए जूल, एनर्जी कोई भी रहा तो जूल, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। जूल के डायमेंशन याद है आपको, M1, L2, T-2। मैंने बोला बच्चों बहुत बार न्यूटन और जूल, न्यूटन के डायमेंशन होते M1, L1, T-2, और जूल के जो डायमेंशन होते बड़े मियाँ है, इससे बड़े मियाँ है, तो L2, समझ में आ रहा है ना, दोनों को सेम है लेकिन L में डिफरेंट है, डिवाइड बाय लेंथ का स्क्वायर है। तो दिस वन कैंसल, तो देखो M1, L0, T-2। क्या सरफेस टेंशन के ये डायमेंशन थे? हाँ यही थे, इसलिए सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है बच्चों, आगे बढ़ना है, ओके। चलो उसके बाद में देखने वाले हम लोग सरफेस टेंशन के लिए कुछ कंडीशंस होती है, डिफरेंट कंडीशन केसेस देखने वाले, ठीक है, ड्रॉप के बारे में, तो उसके भी कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके लिए कुछ फार्मूला बनाएंगे, ओके, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, ओके। उसके बाद में देखेंगे बच्चों हम लोग कि कोई ड्रॉप रहा तो कितना एंगल कैसे बनाते हैं, क्या थीटा कितना होगा, क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, ओके। देखो बच्चों सबसे पहले देखेंगे एक ऐसे सरफेस रखा है, ठीक है, इसके ऊपर एक वाटर, कैसे कोई भी वाटर बोलो या जो भी बोलना है आपको बोल दो, है ना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे T1 बोला है, T2 जो भी बोलना है, टेंशन T1 बोला है बुक्स में, T1 है ये, T2 है, ठीक है, ये T3, ठीक है, T1 T2 T3 है, ओके, बनना आगे, ओके बनना आगे बच्चों। चलो मुझे बताओ ये कौन है, लिक्विड है कि नहीं है, ये कौन है, सॉलिड है समझो, और ये है एयर। ये T1 जो सरफेस टेंशन है बच्चों, T1 ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन बिटवीन ये सॉलिड एंड लिक्विड का इंटरफेरेंस है, लिक्विड का इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है लिक्विड का, ये इंटरफेस है, ठीक है। T2 कौन है बच्चों, ये T2 सरफेस टेंशन है बिटवीन किसके किसके बीच में, देखो ये सॉलिड है ना पूरे, ये जो है पूरा सॉलिड है, सॉलिड एंड एयर, देखो यहां पे सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में था T1, T2 ये सॉलिड है और ये एयर है, सॉलिड एंड एयर इंटरफेस है। T3 कौन है बच्चों हमारे पास, T3 जो है वो सरफेस टेंशन है, T3 देखो, T3 ये लिक्विड है और ये एयर, देखो ना ये लिक्विड है और ये एयर, बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन बच्चों, बढ़ना आगे। चलो मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं, कंपोनेंट इसके रिजॉल्व करके पढ़ लेंगे, थोड़ी अच्छी तरह से डेप्थ में पढ़ेंगे। बच्चों मुझे बताओ हमारे पास ये डायग्राम बन रही है, ये है T1, ये है T2 है, ओके, और ये पार्ट समझो ऐसे ऐसे ऐसे, इसका नाम दे दिया हमने T3। अब T3 के कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कुछ एंगल तैयार कर रहा था ये थीटा, ये
तो यह एंगल तैयार कर रहा है, ठीक है, एंगल तैयार कर रहा है कि नहीं, सॉलिड एंड लिक्विड के साथ जो एंगल होता है उसको ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब इसका कंपोनेंट रिजल्ट रिजल्ट जो होगा वो होगा कॉस थीटा, होगा कि नहीं, लेकिन किसका कंपोनेंट है, टी थ्री का कंपोनेंट है, बात समझ में आ रही है, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट इधर इधर वाला इसका, ये कंपोनेंट इधर बैलेंस कर रहा है ना, ये होगा मेरा साइन थीटा, लेकिन किसका कंपोनेंट है, टी थ्री का कंपोनेंट है, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं है, ओके मुझे बताओ क्या ये चीज इसके अपोज में है, अरे इक्वल है, अरे ये जो चीज है इसके अपोज में है, अरे इक्वल है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं टी थ्री कॉस थीटा प्लस टी वन, अरे दोनों एक ही लाइन पे है ना, तो ऐड होंगे कि नहीं, दोनों एक ही लाइन पे है, ये कंपोनेंट इसका है ना इधर का, ऐड हो गए, इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब टी थ्री देखो ना इक्वल है ना ये, ठीक है, तो मुझे निकालना यहां पे टी थ्री कॉस थीटा टी टू, इधर जाने के बाद प्लस का होगा माइनस, तो कॉस थीटा निकालना था मुझे टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी थ्री, ये मुझे थीटा अब डिसाइड करेगा कि ये एंगल एक्यूट है अप टू से कुछ जो भी है ये पढ़ लेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके ये कब है, इक्वेशन की जो कंडीशन लिक्विड ड्रॉप और क्लीन स्मूथ सरफेस रहा तब तो ये फार्मूला बनेगा, ठीक है, चलो केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, इसमें ये अपना फार्मूला याद रखना, केस नंबर फर्स्ट में हम लोग देखने वाले टी टू ग्रेटर दैन टी वन, समझो टी टू ग्रेटर दैन है, टी टू समझते हो, ये टी टू ग्रेटर है, देखो ये यही कंडीशन टी टू ग्रेटर है, देखो बड़ा एंगल है ये थीटा ग्रेटर दैन है ना 90 से बड़ा है कि नहीं, टी टू किससे, टी वन से, देखो टी वन का ये एंगल है, ये देखो ना ये है थीटा लेस देन 90, दिख रहा है कि नहीं यहां पे, मतलब ये बड़ा है ना, अरे ये टी टू जो है ये जो एंगल है बड़ा है कि नहीं, ठीक है, टी वन से 100% आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रख दो ना यार यहां पे, 100 माइनस 50 तो 50 मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यहां पे कौन सा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब कॉस थीटा इज पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे बोलो नहीं तो क्या बोलोगे, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, मुझे बताओ कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है पता है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, पता है आप लोगों को, मतलब बच्चों इसके बीच में पॉजिटिव वैल्यू होगी कॉस थीटा की वैल्यू, और इसके बीच में निगेटिव वैल्यू होगी, बात समझ में आ रही है ना, 90 और 180 के बीच में, 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव है, मतलब बच्चों यहां पे जो थीटा है ये लाइज बिटवीन करेगा है ना, लेस देन थीटा इज लाइज बिटवीन लेस देन, या थीटा इज लाइज बिटवीन ऐसे बोलेंगे 0 और 90 के बीच में, समझ में आ रहा है, 0 और 90 के बीच में एंगल रहा, 0 या 90 से लेस और 0 से बड़ा, मतलब इसी एंगल को बच्चों हमने नाम देते हैं एक्यूट एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा बच्चों यहां पे, ठीक है, ओके, और इसका मतलब यहां पे जो ये है इम्प्योर वाटर एंड ग्लास पेयर, इसके बीच में एंगल होगा, मतलब इस डायग्राम में जो दिखा है यही डायग्राम ये है, देखो ना ये जो है इम्प्योर वाटर है और ग्लास है, इसके बीच में देखो जो एंगल तैयार हो रहा है एक्यूट एंगल है, अरे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे गिनते हैं, लिक्विड का सरफेस फ्री सरफेस एंड सॉलिड इसके बीच में जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, बात समझ में आ रही है, मतलब कंडीशन वन में थीटा टू ग्रेटर रखो थीटा वन से, देखो थीटा टू ग्रेटर है ये छोटा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये छोटा है कि नहीं ये, और ये बड़ा है दिखाई दे रहा है हम लोगों को, करेक्ट, तो थीटा लाइज बिटवीन किसके बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में, तो ये जो है 90 के लेस देन एंगल है, लेकिन
इसलिए हम लोग एक्यूट एंगल बोल रहे हैं। ऐसा कहां होता है इम्प्योर वाटर एंड ग्लास पेयर में। कंडीशन नंबर सेकंड, देखो इसको मिटा रहा हूं बच्चों मैं, कंडीशन नंबर सेकंड देखो, कंडीशन नंबर सेकंड में हम लोग काम करने जा रहे हैं केस नंबर फर्स्ट, सेकंड हो गया या फिर टी टू इज लेस देन टी वन। अब देखो यहां पे समझो कुछ ज्यादा वैल्यू, यहां पे कम है वैल्यू, तो इसका मतलब ये कि यहां पे हमारा जो कॉस थीटा होगा निगेटिव आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, कॉस थीटा इज निगेटिव क्यों? देखो समझो, इसको 50 रखा, इसको 100 रखा, तो माइनस 50 आंसर आएगा ना, एक एग्जांपल बोल रहा है। तो कॉस थीटा जो एंगल मिल रहा है वो माइनस में मिल रहा है, निगेटिव में मिल रहा है। और निगेटिव वैल्यू कब होती है? मैंने बोला 90 और 180 के बीच में। तो थीटा यहां पे लाइज बिटवीन हो रहा है 90 है ना और 180 के बीच में, 90 और 180, और 90 और 180 के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हमने नाम दिया वाला है एब्टूस एंगल। कौन सा एंगल है बच्चों? एब्टूस एंगल। जो एंगल होगा हमारा यहां पे ऑब्टूस एंगल होगा, है ना, एब्टूस एंगल होगा। मतलब बच्चों यहां पे ये जो हमारे है, यहां पे देखना चाहते हो तो हमारा ये ऐसे एंगल में देखो, है ना, ये T1 है, ये T2 और ये T3। देखो यहां पे समझो मर्क्यूरी होगा, मर्क्यूरी में ऐसे बनता है, तो ये देखो, ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो ये T1 ग्रेटर की नहीं, देखो मैंने T1 ग्रेटर और T2 छोटा निकाला है, T2 यहां पे जो एंगल है, ये जो T2 है ये छोटा एंगल है कि नहीं? अरे 90 से भी छोटा है, मतलब यह एंगल नहीं क्या 90 से ऊपर होगा, 100 105 120 130 140 जो भी होगा, तो ये ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ये एब्टूस एंगल होगा कि नहीं? 90 से ज्यादा है तो ठीक है। थर्ड एक कंडीशन है बच्चों यहां पे, केस नंबर थर्ड, कि टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी थ्री। अगर ये रखोगे मतलब दोनों इक्वल ये और ये, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 मिल रही, तब थीटा कितना होगा बच्चों? 0। मतलब बच्चों 0 मतलब यहां पे ये जो पानी है ना, जो लिक्विड होगा, पानी बोलो लिक्विड जो भी होगा, वो पूरे सरफेस पे स्प्रेड होगा, पूरे सरफेस पे ऐसे स्प्रेड होगा, ऐसे 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 स्प्रेड होगा पूरे तरफ, तभी थीटा 0, नियरली 0 बोलते हैं उसको एक्चुअल में। तो पूरे तरफ ये पानी स्प्रेड होगा, वाटर होगा, लिक्विड जो भी, केरोसिन पेट्रोल जो भी होगा, आप देख लेना हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? इस कंडीशन से हमने क्या पढ़ा कि एक्यूट एंगल, एब्टूस एंगल एंड जीरो एंगल। बढ़ना बच्चों आगे, ओके। उसके बाद में देखना एक्सेस प्रेशर, मिटा दो इसको, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। थोड़ा यहां पे प्रॉब्लम आ रही दिखने में, है ना, अब दिखाई दे रहा है। चलो बढ़ना आगे बच्चों, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अभी एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर में हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो है ना, कौन सा है, एक्सेस, एक्सेस है, एक्सेस, सॉरी एक्सेस प्रेशर। देखो एक्सेस प्रेशर में ये आपका इंटरनल है और ये एक्सटर्नल प्रेशर है पीओ, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रॉप है, तो इसके लिए हम लोग एरिया इनिशियली क्या होगा, 4πr², बाद में उसका एरिया चेंज हुआ dr, इतना मतलब उसकी जो रेडियस हो dr, मतलब बहुत छोटी हमने यहां पे कर दी, ठीक है। बनना आगे बच्चों, चलो इसका चेंज इन एरिया क्या होगा, फिर चेंज इन एरिया इसको नाम देंगे हम फाइनल a2, पहले a2 सॉरी चेंज इन नहीं कह लेंगे, नहीं पहले इनिशियल ये फाइनली, बाद में इसको बड़ा कर दिया तो हमारे पास 4πr² + dr, सॉरी r + dr² समझ में आ रहा है ना। ये देखो ना वही है, लेकिन क्या है, पहली रेडियस r है हमारी, अब dr होगी तो इसको चेंज किया मैंने, तो a2 इज इक्वल टू 4π यहां पे r² +
टू आर डी आर प्लस डी आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों? कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी का फार्मूला इसमें। तो ए टू इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर प्लस फोर मल्टीप्लाई टू एट पाई आर डी आर प्लस फोर पाई डी आर स्क्वायर। बच्चों इस टर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, यहां पर निग्लेक्टेड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों मुझे बताओ? उसकी जो रेडियस है हमने इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते उसके कि स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए तो चीज टूट जाएगी, फूट जाएगी, तो इसलिए नहीं लिख पाएंगे हम लोग, है ना। तो इसको निग्लेक्टेड कर रहे हैं। तो ए टू की वैल्यू मिली हमारे पास फोर पाई आर स्क्वायर एट पाई डी आर एट पाई आर इंटू डी आर। अब मैं निकालने जा रहा हूं बच्चों चेंज इन एरिया कितना होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम। तो फाइनल क्या है हमारे पास? फोर पाई आर स्क्वायर प्लस एट पाई आर डी आर माइनस इनिशियल है फोर पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। दिस कैंसिल क्योंकि माइनस प्लस, तो चेंज इन एरिया मिल रहा है मुझे 8 पाई आर डी आर। क्या बच्चों आप लोगों को सरफेस एनर्जी का फार्मूला याद है? सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे वर्क निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। क्या निकालेंगे यहां पे? वर्क। या हमने ऐसे भी लिखा था इसके पहले, याद होगा आपको, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी क्या है? वर्क अपॉन चेंज इन एरिया, टेंशन को टी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके वर्क। तो वर्क निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टी इंटू डी ए। समझ में आ रहा है ना? टी इंटू डी ए यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं। बढ़ना है बच्चों आगे। चलो वर्क इज इक्वल टू टी, डी ए की वैल्यू एट पाई आर डी आर। ओके ये मुझे यहां पे फार्मूला है बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी। लेकिन उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्रेशर के बारे में फोर्स का फार्मूला क्या है? प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, बराबर है। तो एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं पता है आपको? पी इंटू ए इंटू डी आर। तो पी ए मतलब एरिया, एरिया कौन सा? इनिशियली जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलो वर्क की वैल्यू डाल रहा हूं बच्चों में, टी 8 पाई आर डी आर पी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। समझ में आ रहा है ना वर्क का फॉर्मूला यहां पे, मतलब जो मिला था वो डाला है। तो क्या क्या कैंसिल कर सकते बच्चों? डी आर को डी आर से मरवा दो, आर से आर को मरवा दो, ठीक है। मुझे प्रेशर निकालना, तो पी इज इक्वल टू पाई से पाई को मरवा दो, फोर टू जा मतलब बच्चों टू टी डिवाइडेड बाय ये आर गया। तो बच्चों यहां पे मुझे प्रेशर का फार्मूला मिला है, प्रेशर का फार्मूला जो मिला है वो है टू टी अपॉन आर। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं बच्चों, ओके ऑल इज वेल। अगर कुछ लोग आर कैपिटल मतलब इसको ये लिख रहे हो आप लोग तो 2t कैपिटल R भी लिख सकते हैं, जो लिखना है। अब यहां पे देखना है कि बबल के बारे में क्या आ रहा है, ये ड्रॉप के बारे में था, ये किसके बारे में है बच्चों? ड्रॉप। हम लोग बबल के बारे में पढ़ेंगे। तो बबल में कुछ नहीं बच्चों, दो सरफेस इंडिकेट होते हैं, दो सरफेस प्लीज। तो ये चेंज इन प्रेशर है 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस टी अपॉन आर। ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? दो सरफेस है इसके कारण। तो पी आई पीओ, तो 4t अपॉन r या स्मॉल r जो भी रखना है रख देना आपकी मर्जी से, मतलब जैसे आपको दिया है बुक्स में वैसे करना है, ठीक है ओके। बढ़ना है बच्चों आगे। चलो उसके बाद में हम लोग टेंशन और हाइट निकालने जा रहे हैं कैपिलरी ट्यूब की। लास्ट का एंडिंग का फार्मूला होगा हमारे लिए, ओके। आज ज्यादा फार्मूले नहीं है, मतलब चैप्टर ही छोटा है सर पे, टेंशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के ऊपर बात करने के लिए हम लोग अब बढ़ रहे आगे कि कैपिलरी ट्यूब के बारे में। समझो हमने एक जार में इसे वाटर ले लिया, कोई भी जो लेना है, यहां पे कैपिलरी ट्यूब ली ऐसी और यहां पे इसे वाटर से, ठीक है ये वाटर है इसे। तो ये वाटर है ना, मतलब एक्यूट एंगल बनाता होगा इसे, ठीक है। तो ये यहां पे न्यूटन्स लॉ,
रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसके ऊपर भी कुछ फोर्स एक्सर्ट करता होगा, तो ये रिएक्शन वाला फोर्स मतलब टेंशन होगा, बराबर है। इस कैपिलरिटी के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाता होगा थीटा, जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस थीटा, और ये है टेंशन का कंपोनेंट, इसलिए टी। तो यहां पे भी कंपोनेंट बनेगा कुछ ऐसे, तो होगा टी साइन थीटा। सेम वे इधर भी बना सकते हैं ऐसे, आर इज इक्वल टू टी, ये टी कॉस थीटा सेम टू सेम, और ये टी साइन थीटा, और ये ऐसी कैपिलरी ट्यूब होगी, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। बनने बजे आपके मुझे बताओ एक बार, टेंशन का फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब ये ऊपर वाला, जैसे कि ये जो टेंशन वाला जो फोर्स है, ये दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहा है बच्चों, एक कर रहा है टी कॉस थीटा, दूसरा है टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा ये अपवर्ड फोर्स है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या बन रहा है, टी इंटू एल, टी इंटू एल हमारे यहां पे ये फार्मूला बन रहा है। लेकिन टी वाला कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकली, वर्टिकली कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, और ये लेंथ है, लेंथ ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगी ना, ये कैपिलरी ट्यूब पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसके लिए लिखेंगे ट्वाइस पाई आर। बात समझ में आ रही है, मतलब अपवर्ड फोर्स टी कॉस थीटा इंटू ट्वाइस पाई आर, ये फोर्स मिली। उसके बाद में इस वाटर को कोई वेट से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स होगा, होगा कि नहीं, अरे डाउनवर्ड फोर्स होगा कि नहीं, यहां पे जैसे अपवर्ड फोर्स है वैसे वेट जो होगा इस लिक्विड का, तो वेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग यहां पे m इंटू जी, है ना। मतलब वेट मतलब फोर्स ही है, अभी वेट मतलब क्या है बच्चों, ये फोर्स तो है एक टाइप का, तो f इज इक्वल टू, लेकिन आपको डेंसिटी थ्रू पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं ना, डेंसिटी का फार्मूला, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू रो। लेकिन ये वॉल्यूम किसका है, कैपिलरी ट्यूब का है, और कैपिलरी का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पता है ना, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया सर्कमफेरेंस है इसलिए रोज। चलो इस फोर्स की वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं मैं, टी देखो ये कॉस थीटा इंटू ट्वाइस पाई आर स्क्वायर एच रोज, पाई से पाई को मरवा दो, आर से आर को मरवा दो, ओके। तो मुझे टी निकालना है, बराबर है, तो बचा है एच रो जी डिवाइडेड बाय ये टू कॉस थीटा, ये मुझे यहां पे सर पे टेंशन मिलेगा। किसी ने बोला कि हाइट निकालो हाइट, तो एच इज इक्वल टू ये इधर जाने वाला है टू डिवाइडेड बाय बच्चों ये आने वाला नीचे, आई थिंक एक आर बचा है मेरे पास एच रो जी आर, देखो एच रो जी एक आर बचा था ना, ये सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके ठीक ना। तो टू टी कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी आर, तो ये हम लोग इसमें हाइट कितने हाइट पे वाटर राइज कर सकता है या फॉल कर सकता है ये हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। दिखाता हूं मैं, देखो ट्रायल बेस पे मैं आपको देखो पहली केस नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या बनाने वाला, देखो थीटा इज लेस देन 90, अगर आपका थीटा इज लेस देन 90 रहा तो आपको पता है कि कॉस थीटा यहां पे मिलता है पॉजिटिव, क्यों पता है ना, मैंने अभी तो लिख के दिया था कॉस 0 और 90, कॉस 0 की वैल्यू 1, 90 की 0 होती है, पता है ना आप लोगों को, तो इसलिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहां पे अगर थीटा आपको पॉजिटिव मिलता है मतलब एच पॉजिटिव मिलेगा, एच क्या मिल रहा है आपको, एच भी यहां पे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब वाटर ऊपर आ रहा है ऊपर, अरे एच पॉजिटिव कब होता, वाटर ऊपर हाइट बढ़ रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है तो ही पॉजिटिव होगी, और हाइट ऊपर आ रही है वाटर की मतलब राइज हो रहा है, मतलब एक्यूट एंगल हो रहा है बच्चों इसका मतलब। अरे बच्चों यहां पे थीटा अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल होगा कि नहीं, बात तो समझ में आ रही है ना,
90 से छोटा, तो एक्यूट एंगल। और दूसरी बात कि ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब एच पॉजिटिव, मतलब वाटर ऊपर ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मुझे क्या बताना है? ओके, तो यहां पे केरोसिन इन कॉन्टेक्ट ग्लास का एग्जांपल दे सकते हैं, केरोसिन ऊपर ऊपर आएगा अगर इसका प्लेट टूटे रखा तो। उसके बाद में देखने बच्चों केस नंबर सेकंड, थीटा ग्रेटर देन 90। आप समझो 90 से ज्यादा, थीटा 90 से ज्यादा कब होता है? जब एब्टूस एंगल हो तब, एब्टूस एंगल हो तब। नंबर वन, ये निगेटिव आंसर मिलेगा कि नहीं, मतलब कॉस थीटा जो है वो निगेटिव का, क्योंकि कॉस 90 और कॉस 180 के बीच में निगेटिव वैल्यूज होती है, कॉस 180 की माइनस होती है, पता है ना आपको, माइनस वन, तो निगेटिव। एच निगेटिव मतलब हाइट कम हो रही है, ज्यादा होगी कम। अरे एच निगेटिव मतलब नीचे नीचे, वाटर नीचे आ रहा हो, मतलब जैसे कि हमने मर्क्यूरी के ऊपर अगर कोई कैपिलरी ट्यूब रखोगे तो वो फॉल होती है, मर्क्यूरी ऐसे फॉल होती है, फॉल, ठीक है, मतलब हाइट डिग्रीजेस हो रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। अगर थीटा 90 हो, थीटा 90, केस नंबर थर्ड बोलेंगे इसको, थीटा 90, तो एच जीरो होगा। देखो ना, कॉस 90 जीरो तो जीरो होगा, एच मतलब हाइट कुछ बढ़ेगी नहीं, कुछ नहीं, जो नॉर्मली है वही हाइट रहेगी। समझ में आ रहा है? ओके, हाइट किसको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो देखेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, रेडियस ऑफ मर्क्यूरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, तब इसको कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है बच्चों, कोई टेंशन। और एक बात बताऊ, हाइट ऑफ द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम कैपिलरी ट्यूब सरफेस टेंशन ऑफ मून इज 6 टाइम ज्यादा होती है। मतलब यही प्रैक्टिकल हम लोग मून के ऊपर करेंगे तो यह 6 टाइम ऊपर आएगा। अगर यहां पे 2 सेंटीमीटर आता है ऊपर, यही प्रैक्टिकल अगर मून पे किया जाए तो मून में हम लोगों को दिखाई देगा कि सर ये 6 गुना ज्यादा, मतलब 12 सेंटीमीटर ऊपर उसकी राइज होगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर डिग्री जोन मतलब केरोसिन एंड ग्लास रहा तो, अगर यही मर्क्यूरी है तो नीचे आएगा, हाइट डिग्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब इंक्रीज और डिग्रीज दोनों भी हो सकते, नहीं ऊपर जाएगी क्योंकि ग्रेविटी कम है, नीचे खींचने वाला फैक्टर कम है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके है ना, ओके। उसके बाद में देखेंगे बच्चों, अगर ग्रेविटी गायब हो जाती है तो लिक्विड ऊपर 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 आएगा और पानी ऊपर से भी नीचे आ सकता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे, वेट जो हमने लिखा ना यहां पे, वेट एमजी, वो नहीं हो तो कोई अपोज नहीं करेगा ना, तो पानी ऊपर ऊपर आएगा, ऐसे इस सफिशिएंटली लेंथ होगी इस कैपिलरी की और ये पानी ऐसे नीचे आने का भी यहां पे चांस हो सकता है। उसके बाद में एक फॉर्मूला बच्चों, टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 - α T, यह क्रिटिकल टेम्परेचर का, यह क्या है बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला। यह टी मतलब गिवन टेम्परेचर, यह 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यह लीनियर कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यह टेम्परेचर है, टाइम है सॉरी, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे बच्चों, ये जो है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे हमारा सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब सरफेस टेंशन होता है ना ऊपर, वो टेंशन जब जो टेम्परेचर देने के बाद कोई टेम्परेचर पे उसका सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, उसी को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो होप है कि बच्चों ये सभी फार्मूले आप लोगों को बहुत सारे हेल्प करे, हर नीट JEE CET जो भी आप लोग बोर्ड कर रहे हो सबको हेल्प करेंगे। और अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे इसके बाद में रैपिड रिविजन का, जो थियोरटिकली जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होंगे या इंपॉर्टेंट डिफाइंस होंगे उसके ऊपर। तब तक मेरे तरफ से आप लोगों को सबको पढ़ने के लिए बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।